हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बीएसपी प्रमुख मायावती के प्रयास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रिया कहा है। कोरोना संकट की घड़ी में साथ देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दिया है। आप सोच रहे होंगे बीएसपी प्रमुख मायावती ने ऐसा क्या कर दिया कि सीएम योगी आदित्यनाथ तारीफ पर तारीफ करते थकते नजर नहीं आ रहे। मायावती ने कोरोना काल के लिए यूपी में सीएम योगी और उनकी सरकार के लिए क्या किया ये बताएंगे। उससे पहले सीएम ऑफिस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर यह लिखा मिला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी प्रमुख मायावती की ओर से कोरोना वायरस के खिलाफ यूपी सरकार के अभियान में पार्टी विधायकों को सहयोग दिए जाने के निर्देश पर उन्हें धन्यवाद दिया है। इससे पहले मायावती ने ट्विटर पर कोरोना को लेकर बीएसपी विधायकों से अपील की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, कोरोना वायरस की महामारी के प्रकोप के मद्देनजर खासकर यूपी के बीएसपी विधायकों से भी अपील की कि वो भी पार्टी के सभी सांसदों की तरह अपनी विधायक निधि से कम एक एक करोड़ रुपए अति जरूरतमंदों की मदद हेतु जरूर दें। बीएसपी के अन्य लोग भी अपने पड़ोसियों का जरूर मानवीय ध्यान रखें। ये भारत की सनातन परंपरा की खासियत है जो देश को अनेकता में एकता के सूत्र में बांधकर रखती है। बहरहाल मायावती ने जिस अंदाज में अपने विधायकों को आदेश दिया, कोरोना से लड़ाई में एकजुट होकर आर्थिक मदद पहुंचाने की बात कही, उससे सीएम योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक तौर पर बीएसपी प्रमुख मायावती को शुक्रिया कहने से नहीं रोक पाए। सीएम योगी ने मायावती के इस कदम को राजनीति से ऊपर बताया और अन्य पार्टियों को भी कोरोना संकट की इस घड़ी में इसी रास्ते पर चलने की सलाह दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पूरा देश इस महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहा है। राजनीतिक दलों और विभिन्न विचारधारा वाले संगठनों का भी ये दायित्व है कि इस आपदा काल में वह अपने राजनीतिक अथवा वैचारिक पूर्वाग्रहों का त्याग कर इस वैश्विक लड़ाई में सहभागिता सुनिश्चित करे। अब बीएसपी प्रमुख मायावती को तो सीएम योगी ने शुक्रिया कह दिया। मायावती कोरोना से निपटने पर योगी सरकार की कोशिशों के साथ है, तो ऐसे में सीएम योगी किन्हें राजनीति या वैचारिक पूर्वाग्रहों को त्याग कर साथ देने के लिए कह रहे हैं।